बाळापूर तालुक्यातील हातरुड येथे घरपट्टी व लेआउट प्लॉटच्या करवसुलीसाठी ग्रामपंचायतकडून नागरिकांना दिवाणी फौजदारी नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. ज्यांची पक्की घर आहे त्यांनी ग्रामपंचायत हातरुड येथे टॅक्स जमा केले आहे, परंतु ग्राम प्रशासनाने डिमांड नोटीस न बजावता दिनांक 13 फेब्रुवारी रोजी तालुका विधी सेवा समिती बाळापूर यांच्याकडून दिवाणी फौजदारी घरोघरी नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. बहुतांश नागरिकांनी दिवाणी फौजदारी बाळापूर यांच्या नोटीसचे पालन करून टॅक्स भरणा केला आहे, परंतु ज्या लोकांचे प्लॉट NAP लेआउट करण्यात आले आहेत त्यांनाही ग्रामपंचायतने कर वसुलीसाठी नोटीस बजावली होती. तर दुसरीकडे रेन्यू डिपार्टमेंट यांनी ही लेआउट प्लॉटच्या मालकांना कर वसुलीसाठी नोटीस बजावली आहे. सध्या हातरुण गावात NAP लेआउट झालेले कमीत कमी 50 ते 60 लोक आहेत. या सर्व नागरिकांना ग्रामपंचायत हातरुण यांच्या मार्फत नोटीस बजावण्यात आली आहे. तर या लोकांनी टॅक्स नेमका कोणाकडे भरावा असा संभ्रम निर्माण झाला आहे. या गंभीर समस्येकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष देऊन नागरिकांची समस्या दूर करावी अशी मागणी शेख अजमतुल्ला जागीदार यांनी केली आहे. MCN न्यूज करिता काजी मेहंदी हसन हातरुण. मी शेख अजमतुल्ला, फादर नेम शेख रहमतुल्ला जागीदार, एट पोस्ट हातरुण, तालुका बालापुर, डिस्ट्रिक्ट अकोला से बोल रहा हूँ. कि भाई मुझे ग्राम पंचायत से एक लेटर आया है, हमें ऐसे तीन भाइयों को आया है, तीन भाइयों को, सगे भाई हम, और गांव में बहुत से लोगों को नोटिस है कि भाई आप कर भरो. तो इसके अंदर ग्राम पंचायत को घर पट्टी का, पानी पट्टी का, ये टैक्स मांगने का अधिकार है, लेकिन ओपन प्लॉट जो है NAP 34 बोलते हैं जिसको, NAP 34, इसका ग्राम पंचायत को मेरे जानता ख्याल है टैक्स मांगने का अधिकार नहीं है. ये जाता है आपके तहसील के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में. और इससे पहले मैंने लास्ट दो एक साल पहले मैंने 25,000 कुछ 800 कुछ रुपया मैंने तलाटी को इसका टैक्स भरा मेरे प्लाटों का. अब ग्राम पंचायत बोलती है कि हमको भी इसका टैक्स दो. ग्राम पंचायत ने हमको लेटर दिया है कि आप आपके ओपन जो प्लाट है इसका टैक्स दो. तो गवर्नमेंट ने ये डिसीजन करना कि भाई हमने टैक्स देना तो किसको देना. ग्राम पंचायत हमारे जो अनदर काम है वो रोक रही है, बोलती है कि भाई आप टैक्स दो प्लाटों के तो हम आपका काम करेंगे. तो ये एक तरह से हमारे पर अन्याय है. तो मैं शासन से ये अपील करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ पुरजोर कि भाई उन्होंने हमारी इस तरह की तकलीफ जो है इसको दूर करना. और इसका टैक्स हमने देना तो दोनों पार्टी में से किसको देना, ये हमको जब तक कि ये कंफर्म नहीं करते तब तक हम इनको भी टैक्स नहीं देते. और मैं काजी मेहंदी अली का भी थैंक अदा करता हूँ और चैनल का भी थैंक अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी ये हम पर होने वाले अत्याचार को अपने न्यूज़ चैनल से इसको रिलीव किया करके. थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू.